मर्जर के अनाउंसमेंट्स के बाद जो कल बाजार बंद होने के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, उनका क्या मानना है? कितना और जूस बता है स्टॉक में, या जो कुछ प्ले आउट होना था वो ऑलरेडी कल के ट्रेडिंग सेशन में प्ले आउट हो चुका है? ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। यतिन, क्या कह रही है ब्रोकरेजेस? तो आशीष, गुड मॉर्निंग। ब्रोकरेजेस तो बुलिश है ही। देखिए, जो टारगेट है HDFC लिमिटेड के बहुत ज्यादा है, करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड काफी अच्छी दिखती है ब्रोकरेजेस को। और अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर प्लेट्स भी आएंगी। HDFC लिमिटेड का टारगेट है इनका 2930, HDFC बैंक का टारगेट है 2050 का। जेफरीज का जो HDFC लिमिटेड का टारगेट है वो है 3500 रुपए के आसपास का, और HDFC बैंक का है 2150 रुपए के आसपास। और अगर मैक्वेरी की बात करें तो 2005 के टारगेट के साथ HDFC बैंक का उन्होंने एक फर्स्ट कट नोट यस्टरडे निकाला था। ब्रोकरेज की अगर हम माने तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जिस दिन से मर्जर इफेक्टिव हो जाएगा, यानी लगभग FY25 में, तो EPS एक्रिटिव रहेगा डे वन से। इनफैक्ट जेफरीज को लगता है ये 2-4% आपको EPS पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता हुआ दिखाई देगा। FI हेडरूम भी बढ़ेगा लगभग 7% से, जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को होगा, ऐसा जेफरीज का कहना है। और जहां तक कि मैक्वेरी का कहना है, रेगुलेटरी फ्रंट पे उनको लगता है कि RBI का जो डिसीजन रहेगा, जो अप्रूवल रहेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के बिजनेस पे उनका क्या व्यू है, मर्जर पे क्या व्यू है, वो मैटर करेगा। और जहां तक कि सक्सेशन का प्रॉब्लम था HDFC लिमिटेड में, क्योंकि मैनेजमेंट की एज और सक्सेशन दोनों के ही ओवरहैंग्स थे, वो भी प्रॉब्लम HDFC लिमिटेड के लिए सॉल्व हो गया है। तो जहां तक कि ब्रोकरेज का सवाल है, सभियों को लगता है ये डील काफी अच्छी है HDFC लिमिटेड के लिए भी और HDFC बैंक के लिए भी। अपडेट को देखिए, जैसे कि नीरज जी ने कहा है कि धीमापन जरूर आया है आउट परफॉर्मेंस में। इनफैक्ट अगर हम देखें AUM ग्रोथ का जो आउट परफॉर्मेंस है HDFC बैंक के मुकाबले, वो केवल 5% रह गया है, जो पहले 10-15% बेहतर रहता था। तो ब्रोकरेजेस का यही मानना है कि शायद ये जो वैल्यूएशन है वो अनजस्टिफाइड है। CLSA की एक सेल कॉल है, टारगेट है 6,500। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की एक ओवरबिट कॉल है, टारगेट है लगभग 8,800 रुपए के आसपास। और इनका मानना यह है कि जो नया कस्टमर एक्विजिशन है वो गिरा है, लगभग साल दर साल बेसिस पे नए कस्टमर एडिशंस 3% गिरे हैं, और AUM जो ग्रोथ है वो 9% के आसपास आई है, जो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। हालांकि जो कस्टमर एक्विजिशन है उसको लेके ब्रोकर चिंतित है। जाएंगे स्टॉक को आप? वो बिल्कुल, यहाँ आशीष बाय कॉल है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, टारगेट है 188, और जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है 66% की, एफिशिएंसी है कलेक्शन की बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट कंपनी ने 20-25% डिसबर्समेंट ग्रोथ की टारगेट की बात की है, जो कि काफी अच्छी है, और मार्केट शेयर भी इन्होंने गेन किया है कि ट्रैक्टर और गाड़ियों की जो फैंसी का बिजनेस है उसमें। तो ओवरऑल बेसिस पे काफी हेल्दी नंबर है, जिसको लेके ब्रोकरेजेस ने फिर से एक बार थम्स अप दिया है।